नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो रिक्रूटमेंट है वो एक हाई लेवल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे पब्लिश किया गया है, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आप अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियली वेबसाइट के नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुका हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खुद ऑफिशियली वेबसाइट है और ऑफिशियली वेबसाइट से इस मतलब नोटिफिकेशन को मिला है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन का जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। सबसे पहले कौन सा पोस्ट है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए आईएएस ऑडिटर के पोस्ट है, मतलब सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिटर के पोस्ट है, जो ऑब्वियसली कंटेक्चुअल जॉब होगा। और वहाँ पे आपको दो वैकेंसीज है, वो दोनों के दोनों ही जनरल के लिए है। और आपको यहाँ पे एज लिमिट होना चाहिए 38 से लेकर 50 ईयर्स तक। और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आईएएस मतलब जो ऑडिटर है उसके लिए आपको जो पोस्ट दिया गया है वो भी कंटेक्चुअल होगा। तीन पोस्ट है, तीनों के तीनों ही जनरल के लिए है। 33 से लेकर 45 ईयर्स तक एज लिमिट होना चाहिए। मैनेजर का पोस्ट है आईएएस ऑडिटर के लिए, वो भी रेगुलर के लिए, मतलब परमानेंट आपको जॉब मिलेगा। फोर वैकेंसीज है, जहाँ पे ओबीसी के लिए 1 एंड जनरल के लिए 3। 28 से लेकर 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। डिप्यूटी मैनेजर के लिए पोस्ट दिया गया है रेगुलर के लिए, और वहाँ पे भी आपको कुल मिलाकर 7 वैकेंसीज है, जहाँ पे एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 एंड बाकी 5 वैकेंसीज जनरल के लिए है। कुल मिलाकर 16 वैकेंसीज है, जहाँ पे 13 जनरल के लिए है और एससी एसटी के लिए 1 है, सॉरी एससी के लिए 1 है एंड ओबीसी के लिए 2 है, और फिजिकल हैंडीकेप के लिए 4 है। तो कुल मिलाकर अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। इस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग में आपको अप्लाई करना होगा। एज लिमिट में आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी इस जॉब के लिए जो डिटेल्स डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे सीनियर देखिए सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट है, असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए। बीए बीटेक होना चाहिए, और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए ये जो मतलब जॉब है इसके लिए आपको कुछ आधा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, जैसे आपको CISA सर्टिफाइड होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे, और 10 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 10 ईयर किसके लिए है, सीनियर वॉइस के लिए है। असिस्टेंट वॉइस मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना है, 7 टोटल ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैनेजर के लिए कितना, 5 साल के आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग के ऊपर, और 3 साल के आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्यूटी मैनेजर के लिए 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस के बिना आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पूरे डिटेल्स को आप जरूर चेकआउट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे जो जो जॉब है, ये जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। और अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा आपको। सबसे पहले इस लिंक को क्लिक करना, उसके बाद आपको क्लिक है रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। तो देखिए लास्ट डेट जो रहेगा 24th of July, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन में, जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओके कर देना, उसके बाद देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, आप खुद के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, प्रीवियस प्रीव्यू करके देखना होगा, उसके लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। तो सिंपल स्टेप है, एक एक करके स्टेप को फिलअप करते चले जाइए। कोई भी अगर डाउट से कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कर सकते हैं, और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।